अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर टू, जिसे हम कहते हैं आइट्रेटिव एवोल्यूशन एंड एजाइल। और जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था कि व्हाई इज़ वाटरफॉल फेलियर प्रोन। वो डिस्कस करने के बाद अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नीड फॉर फीडबैक एंड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मीनिंग है किसी चीज़ से वाकिफ होना, और जो फीडबैक है हम जो अपने ओपिनियंस या व्यूज़ हासिल करते हैं अपने क्लाइंट या यूज़र के, ठीक है। इनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये की इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस के लिए। अब हम कहते हैं कि फीडबैक जो है ना अर्ली डेवलपमेंट में जो हमें मिलता है उससे हम रिक्वायरमेंट्स को रिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। वो फीडबैक हमें बड़ा हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि अगर हम बाकी पॉइंट्स में देखें तो फीडबैक जो टेस्ट और डेवलपर्स से हमें मिलता है वो हम रिफ़ाइन करते हैं उसके थ्रू डिज़ाइन और मॉडल्स को। फीडबैक जो हमें प्रोग्रेस ऑफ द टीम से मिलता है उससे हम टैकल करते हैं अर्ली फीचर्स से, ताकि हम रिफ़ाइन कर सकें अपने स्केड्यूल और एस्टीमेट्स को। और एक फीडबैक होता है फिर क्लाइंट और मार्केट प्लेस से टू रीप्रायोरिटाइज द फीचर्स टू टैकल इन द नेक्स्ट आइट्रेशन। रीप्रायोरिटाइज का मतलब होता है अगेन लिस्ट बनाना, अगेन प्रायोरिटाइज करना फीचर्स को। जो हमारा क्लाइंट होता है ना वो फीचर्स को अगेन प्रायोरिटाइज करता है। लाइक अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नंबर वन थी या फीचर नंबर वन जो उसे रिक्वायर्ड था, अब वो कहता है उसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अब वो रीप्रायोरिटाइज करेगा अपनी लिस्ट को, यानी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी ना उसकी, अब वो उसको नीचे कहीं ले जाता है, और जो अब उसकी टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है वो उसे टॉप पे ले आता है। तो अब जब ये फीडबैक हम लेंगे ना और वो प्रायोरिटाइज कर देगा तो हमारे लिए उसे ईजी भी हो जाएगा और हेल्पफुल भी होगा कि हम उसको नेक्स्ट आइट्रेशन में टैकल कर सकें।